तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी खतरनाक तरीके का जो है इस ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है। चलिए आपको जो है पहले कंडीशन इस ट्रक की दिखाते हैं, उसके बाद में बताएंगे ये हादसा जो है कैसे और किस कारण हो गया। और इसके केबिन के अंदर जो है सभी लोग झांक रहे हैं, देख रहे हैं ड्राइवर साहब को, जो कि यहाँ पर ड्राइवर साहब फिलहाल नहीं दिखे हैं। चलिए अभी हम आप लोगों को जो है केबिन के अंदर से भी दिखा देंगे क्या हालत जो है इस केबिन के अंदर हो रखी है। और ये हादसा जो है डिवाइडर से टकराने के कारण हुआ था। चलिए आपको जो है अभी अंदर से भी थोड़ी कंडीशन इस गाड़ी की दिखाते हैं क्या हो रखी है। और दोस्तों यहाँ पर जो है पूरा ट्रक जो है लकड़ियों से भरा हुआ था, जो कि कुछ लकड़ियाँ जो है यहाँ फ्लाईओवर के नीचे भी गई हैं, वो भी वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। और अंदर केबिन के हाल आप देख सकते हैं, टोटल लॉस हो गया, पूरा का पूरा ट्रक जो है ये ख़त्म हो गया। चलिए आपको लकड़ियाँ दिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि फ्लाईओवर के ऊपर से जो है यहाँ पर लकड़ियाँ गिरी हैं, और सामने ई रिक्शा आपको दिख रहा होगा, कहीं ये लकड़ियाँ जो है ई रिक्शे के ऊपर गिरती उनके ऊपर तो दोस्तों यहाँ पर जो है उनकी भी जान पर वन आती। और लकड़ी जो है यहाँ पर गीली हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर वजन भी है। और यहाँ पर हर कोई जो है अपने अपने तरीके से बता रहा है कि भाई ऐसे एक्सीडेंट हो गया होगा, जो कि यहाँ पर हर किसी को जो है यहाँ पर कन्फर्म नहीं पता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। यहाँ पर हर कोई बता रहा है कि भाई नींद आ गई होगी, इसी के कारण जो है यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया होगा, ये सामने से जो है कोई गाड़ी आ गई होगी इसी के कारण एक्सीडेंट हुआ है। मतलब पूरी तरह से ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। फिलहाल यहाँ पर जो है शायद ड्राइवर बच गया हो, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर फिलहाल मिला नहीं। तो ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि भाई नींद आती है तो गाड़ी को खड़ा कर दें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।